आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रवासी मतदाताओं के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप दिखा रहा है। पोल पैनल ने 8 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों और 57 मान्यता प्राप्त राज्य के जो दल हैं उन्हें रिमोट वोटिंग मशीन के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बुलाया है। रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि RVM, जिसकी मदद से अब घर से दूर या फिर किसी दूसरे शहर में किसी दूसरे राज्य में रहने वाला वोटर भी विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो इसमें वोट डाल सकता है, चाहे वो अपने शहर से अपने राज्य से दूर ही क्यों ना हो। यानी कि वोटिंग के लिए उसे अपने घर वापस नहीं आना पड़ेगा। ये डेमो 2 घंटे तक चलेगा, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। निर्वाचन आयोग की तरफ से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है और रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप, उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जा रहा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस पर क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। इसमें जो जो पॉलिटिकल पार्टीज ने RVM और EVM के बारे में कंसर्न शो किए थे उन सबको निमंत्रण दिया गया था और उसमें जितने लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं उनके आभारी हैं। और समाजवादी पार्टी में प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी से मेरी बात हुई है, अखिलेश यादव जी से भी बात हुई है और उन्होंने साफ शब्दों में मुझसे मुझे निर्देश दिए हैं कि हम पूरे तरीके से RVM के खिलाफ हैं। रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। रवि, कांग्रेस समेत कौन कौन से ऐसे दल हैं जो रिमोट वोटिंग मशीन के खिलाफ हैं और उसकी वजह क्या बता रहे हैं? नहीं देखिए, लगभग 14 से 15 पार्टी हैं जो कांग्रेस के साथ हैं इस मामले को लेकर, लेकिन कल जैसे समाजवादी पार्टी नहीं आई चाहे दूसरी पार्टियां नहीं आई जिसका हवाला दिग्विजय सिंह दे रहे थे, तो लगभग विपक्षी दल जो कांग्रेस के साथ आमतौर पर बैठक में रहते हैं चाहे उनके साथ खड़े होते हैं जो UPA का हिस्सा है वो इस मामले पर कहीं ना कहीं खिलाफत कर रहे हैं। हालांकि मायावती ने भी इसका खिलाफत किया है। उनका तर्क यही है कि इसका इसको लागू करना बहुत मुश्किल होगा और इसका इससे कहीं ना कहीं गड़बड़ी के आसार ज़्यादा हैं। इसी वजह से चुनाव आयोग आज डेमो दे रहा है। और डेमो आप याद कीजिए कि 2019 चुनाव से पहले जब EVM को लेकर सवाल खड़े हुए तो इसी कंस्टिट्यूशन क्लब में चुनाव आयोग ने बकायदा डेमो देकर आम आदमी पार्टी ने जो सवाल खड़े किए थे कि हम EVM दूसरा तैयार कर सकते हैं और फर्जी वोटिंग हो सकती है तो उसका डेमो यहाँ दिया था। उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, बावजूद इसके आम आदमी पार्टी नहीं मानी थी, समाजवादी पार्टी नहीं मानने को तैयार थी। तो आज भी वही काम किया जाएगा, डेमो देकर समझाया जाएगा। जो टेक्निकल एक्सपर्ट है वो इसमें रहने वाले और बताने वाले हैं कि किस तरह से ये RVM काम करेगा, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कैसे काम करेगा। और मकसद देखिए साफ है, चुनाव आयोग का मकसद है वोटिंग बढ़ाना, लोगों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी होना वोटिंग के दौरान। तमाम लोग जो प्रवासी रहते हैं चाहे वो बिहार के लोग हों, उत्तर प्रदेश के लोग हों, चाहे उड़ीसा के लोग हों, चाहे असम के लोग हों, जो दिल्ली मुंबई या कहीं और काम करने के लिहाज से रहते हैं, चाहे वैसे भी किसी काम से लोग अगर बाहर जाते हैं अपने जिले में नहीं रहते हैं वो वोट नहीं डाल पाते हैं, तो वैसी स्थिति में जो वोटर है ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाल पाएँ, वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा बढ़ाया जाए। और चुनाव आयोग ने जो पहला रिलीज जारी किया था उसमें कहा था कि 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो वोट नहीं डाल पाते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रवासी होने के नाते से, तो ऐसे लोगों को टारगेट करके उनका वोट डलवाना है, उसके लिए एक प्रोसेस लाया गया है। अब देखिए, आमतौर पर जब भी टेक्नोलॉजी देश में आई है जिस भी तौर पे आई है, जब कंप्यूटर आया था तो उसका भी विरोध किया गया था, याद कीजिए। यही राजीव गांधी जब कंप्यूटर लेके आए थे, कंप्यूटर क्रांति की बात हुई थी, तब बाकी पार्टियों ने कहा था, यही समाजवादी पार्टी और तमाम पार्टियों ने विरोध किया था कि इससे जो है बेरोजगारी बढ़ेगी क्योंकि लोगों का काम कम हो जाएगा, मैनुअल काम कम हो जाएगा। जब EVM आया तो शुरुआत में इसका विरोध हुआ लेकिन EVM को लोगों को मानना पड़ा कि उसी EVM से कांग्रेस हिमाचल। बिल्कुल, समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है और बदलते समय और टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना भी उतना ही जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस जानकारी के लिए। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।